हेलो व्यूअर्स, कुकिंग विद सुमना में आप सबका स्वागत है। दिवाली नज़दीक आ गई है और दिवाली में तो हम लड्डू और बर्फी बनाते ही हैं, पर इस दिवाली थोड़ा सा कुछ अलग तरह से अगर मनाया जाए या उसके साथ लड्डू और बर्फी के साथ कुछ और मिठाई बनाएं तो कैसा होगा। तो इसलिए मैं आज आपके लिए रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। यदि आप रसमलाई दिवाली में बनाते हैं तो दिवाली तो आपकी खास बनने वाली है, साथ ही साथ आप भी खास बनेंगे। समझ में नहीं आया? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब आप लड्डू और बर्फी के साथ रसमलाई परोसेंगे और जब आप अपने रिश्तेदारों को बताएंगे कि ये आपने घर पे बनाया है, तो आपकी तारीफों की बरसात होने वाली है। तो वे ना आप भी खास, तो देर किस बात की, चलिए फटाफट रसमलाई बनाने की ओर बढ़ते हैं। रसमलाई बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, इससे दूध नीचे में बैठेंगे नहीं या चिपकेंगे नहीं। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें छेना की तैयारी करनी है। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ऐसा करने से दूध नीचे चिपकेंगे नहीं। और ये मैं फुल फैट दूध ले रही हूँ, मैं 2 लीटर दूध इसमें डाल रही हूँ। दूध में बस जैसा ही एक उबाल आए और हमें गैस का फ्लेम को बंद कर देना है। देखिए बस दूध में अब उबाल आने वाला है और जैसे ही उबाल आए हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। बस दूध में उबाल आ गया है और हमें गैस का फ्लेम को बंद कर देना है और इसे 2 मिनट के लिए लगभग थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसे फाड़ना है। तो छेना बनाने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच विनीगर लिया है और 2 चम्मच पानी, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है और इसे अभी तुरंत नहीं डालेंगे। थोड़ी देर इसे 1 से 2 मिनट मैं इसी तरह से छोड़ दे रही हूँ थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं इसमें विनीगर ऐड करूँगी। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, मैं इसे और थोड़ा सा ठंडा करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर और ये पानी जो मैंने मिलाकर रखा है इसे मैं डालूंगी। एक साथ पूरा हमें नहीं डालना है, थोड़ा डालना है और थोड़ा चलाना है इस तरह से हल्के हाथों से। देखिए अब अच्छी तरह से दूध फट गया है और छेना तैयार हो गया है। एक मैंने पतीला ले लिया है और उसके ऊपर इस तरह का एक छलनी रख दिया है और इसके ऊपर मैं एक मलमल का कपड़ा डाल रही हूँ और इसी पे छेना का जो पानी है इसे मैं छान ले रही हूँ। अब हमें इसमें ठंडा पानी से अच्छी तरह से छेना को धो लेना है ताकि जो मैंने इसमें विनेगर डाला है उसका खटास बिल्कुल ना रहे। पानी डालने से और एक होगा क्या, छेना का में जो कुकिंग प्रोसेस चल रहा था वो बंद हो जाएगा। रसमलाई बनाने के लिए हमें एकदम छेना सॉफ्ट चाहिए, इसे 2-3 बार इस तरह से पानी से धो लेना है। अब इसे हमें हल्के हाथों से निचोड़ लेना है। अब मैं इसके ऊपर एक प्लेट रखकर और इसके ऊपर कोई भी आप भारी सामान, मैं यहाँ पर ओखली रख रही हूँ, कोई भी आप भारी सामान इसे करीब 20 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ दे रही हूँ ताकि छेना में जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है वो निकल जाए। रसमलाई बनाने के लिए हमें उसकी चाशनी तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध के लिए 1 कप और 1/4 कप, तो मैंने 2 लीटर लिया है तो मैं इस तरह से और एक कप और 1/4 चीनी ले लिया मैंने। 1 लीटर के लिए आप 4 कप पानी डालें और 1 लीटर दूध के लिए
चार कप पानी डालें और चीनी एक कप और 1/4 कप या सवा कप आप बोल सकते हैं, ये मेजरमेंट रखें। थोड़ा सा मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ, थोड़े से केसर के धागे, थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अब मैं एक थाली ले रही हूँ और ये देखिए छेना का पानी निकल गया है, उसे मैं यहाँ थाली में डाल ले रही हूँ और इसे हल्के हाथों से हमें मसलना है। इसी तरह से हमें सॉफ्ट छेना चाहिए रसमलाई बनाने के लिए। छेना फाड़ने के जो मैंने आपको बताए हैं ट्रिक, बस आप उसी तरह से छेना फाड़े तो आपके भी छेना एकदम सॉफ्ट होंगे। छेना को हमें एकदम ही जोर से नहीं मसलना है, हल्के हाथों से करना है। छेना को लगभग मैंने 5 से 6 मिनट मसल लिए हैं। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, आप इसके जगह पर मैदा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं 2 चम्मच डालें। अगर आप 1 लीटर का बना रहे हैं तो 1 चम्मच डालें। ये जो मैं मेजरमेंट आपको बता रही हूँ ये आप ध्यान में रखें, और थोड़ा सा फूड कलर, कॉर्नफ्लावर और कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर हमें इसके गोले बना लेने हैं। अब इसके गोले मैं बना ले रही हूँ। ब्लेंड करते हुए और इस तरह से दबा देना है, जैसे ही आप दबाएंगे इस तरह के क्रैक्स आएंगे, पर उसे हमें इस तरह से फिर उसे ठीक से कर देना, सेट कर देना है। चाशनी जो मैंने तैयार किया था इसे मैंने उबलने के लिए रख दिया है। चाशनी में उबाल आ गया है, अब मैं एक एक करके डालती जाऊंगी, हमें एक साथ सबको नहीं डालना है। इसका कारण ये कि इसमें उबाल आते रहना है, इसलिए एक एक करके धीरे धीरे मैं इसे डालती जाऊंगी। इसे हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है, करीब 15 से 20 मिनट, 2-3 मिनट बाद मैं इसे ढक दूंगी। अब मैं इसे ढक दे रही हूँ और 5 मिनट बाद मैं और एक बार खोलकर इसे देखूंगी। 5 मिनट हो गए हैं लगभग, अब एक बार मैं ढक्कन खोल के देखती हूँ। वाओ, और इसे इस तरह से दोनों साइड से पकड़कर और थोड़ा सा मैं इसे इस तरह से हिला दे रही हूँ ताकि जो रसमलाई है वो थोड़े से उलट उलट जाए। और इसे हमें 15 मिनट के लिए पकाना है हाई फ्लेम पर ही। एक बार और मैं इसे चेक कर ले रही हूँ खोलकर, पकते हुए करीब 8 मिनट हो गए हैं। और इस तरह से एक बार मैं फिर से इसे हिला दे रही हूँ। इस समय आप चम्मच या कलछी बिल्कुल भी इसे इसमें न डालें, टूट सकते हैं। फिर मैं इसे ढक दे रही हूँ ढककर, और अभी इसे 5-6 मिनट मैं इसे पकाऊंगी। देखिए हमारे रसमलाई बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसके दूध की तैयारी करती हूँ। रसमलाई के ग्रेवी के लिए मैंने 1 लीटर दूध को गाढ़ा करने के लिए रख दिया था, पर एक टिप आपको बता रही हूँ, दूध को जब गाढ़ा करने जाएंगे तो उसकी मलाई जमती जाती है और फिर दूध थोड़ा सा स्मूथ नहीं दिखता है, तो जब ठंडा हो जाए दूध गाढ़ा करने के बाद उसे एक बार आप मिक्सी में चला लें तो इस तरह से आपके जो ग्रेवी होगी वो एकदम स्मूथ होगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 1 लीटर का करीब मैंने आधा कर लिया है, इतना गाढ़ा किया है। मार्केट में तो थोड़ी पतली होती है ग्रेवी, पर घर में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से जैसा मर्जी ग्रेवी को उतना गाढ़ा या पतला रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ गाढ़ा रखा है। और मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ, थोड़े से केसर, थोड़ा सा फूड कलर
और चीनी, चीनी बहुत ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि रसगुल्ले मीठे ऑलरेडी हैं। 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ और थोड़े से मैं इसमें पिस्ता ऐड कर रही हूँ। तो बस हमारी रसमलाई की ग्रेवी भी तैयार हो गई है। बस अब गैस का फ्लेम को हमें बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अभी दूध को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए हमें रखना है और हमारी जो रसगुल्ले बने हैं उसे भी ठंडा होने के लिए मैं छोड़ रही हूँ। ठंडा होने के बाद मैं उसके रसमलाई तैयार करूँगी। जो दूध हमने तैयार किया था वो ठंडा हो गया है और अब मैं इसे एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और ये जो हमने बनाए थे रसमलाई, तो इसको मैंने चाशनी से निकाल लिया था और इस तरह एक थाली नीचे रखकर उसके ऊपर जाली के ऊपर मैंने ये रसगुल्ले को रख दिया था ताकि इसका जो चाशनी जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। और अब मैं इसमें एक एक करके डालती जाऊंगी। छेना की कोई भी मिठाई को हाथ ना लगाए, उससे मिठाई जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इसे आप बिना हाथ लगाए चम्मच या टोंग के सहारे एक एक करके इसमें डालते जाए। अगर इसे चाशनी से तुरंत निकाल कर मैं इसमें डालती, दूध जो मैंने तैयार किया है वो पतला हो जाता, चाशनी उसमें मिक्स हो जाती। देखिए कितना चाशनी स्ट्रेन हो गया है। पिस्ता वो डाल दे रही हूँ गार्निशिंग कर लिए। आपको ये देख कर ही लग रहा होगा कि ये किसी हलवाई से कम नहीं बने हैं, जो हमने घर पर बहुत ही आसानी से तैयार किया है। और अब इसे करीब 2 घंटे फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। ठंडा होंगे तो ये खाने में और मज़ेदार लगेंगे। तो लीजिए हलवाई जैसा रसमलाई घर पर बहुत आसानी से बनकर तैयार है। इसे देखकर ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। और इसे मैं एक आपको निकाल कर दिखा रही हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। मैं हाथ से आपको दिखा रही हूँ, देखिए जूसी भी है और सॉफ्ट भी है। अंदर देखिए पूरी तरह से पक गया है और एकदम सॉफ्ट बने हैं। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें। और एक काम करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, वो है सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।